हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और स्वागत करती हूँ मेरे थर्ड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने यहाँ की मार्केट में और जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मम्मी जी की आंखों का चेकअप करवाने जा रही हूँ मैं। और मैं अपनी आंखों का भी चेकअप करवाऊँगी, मेरी आंखों में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए चलते हैं बाजार की ओर। आ चुके हैं मार्केट एरिया में। अभी सबसे पहले मम्मी जी का आंखों का चेकअप करवाएंगे, तो डॉक्टर साहब अभी बैठे हैं अंदर, बुलाएंगे फिर मम्मी जी जाएंगी। तो चलिए बुला। तो देखिए दोस्तों, मम्मी जी आ गई हैं और अब देखेंगे क्या है। आप ये हमारी मम्मी जी का चेकअप हो रहा है आंखों का। में डॉक्टर साहब क्या बताते हैं तो देखिएगा। चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब मम्मी की आंखें, ये देखिए। तो दोस्तों, मैं भी अपनी आंखों का चेकअप करवाऊंगी और दिखाते हैं फिर क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। बने रहिएगा लास्ट तक। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब देख रहे हैं मम्मी जी की आंखें और देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। ऑपरेशन जब आपके आँख का ऑपरेशन भी बड़ा हुआ था क्या? ठीक है, वाली आँख का बनवाई थी आपने? हमने 3 साल हो गए दिसंबर को 2 तारीख को। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद तुरंत बता दिया क्या क्या दिक्कत थी मम्मी की आंखों में, और पहले भी ऑपरेशन हो चुका है वो भी उन्होंने बता दिया उसमें भी। तो दोस्तों, मैंने भी अपनी आंखों का चेकअप करवा लिया है, तो मेरे लिए दवाइयां दी हैं और चश्मा बताया है। तो चश्मे की अभी फ्रेम दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं कौन सा फ्रेम सही लगेगा, तो मैं उस फ्रेम का चश्मा बना लूँगी। ये देखिए, ये फ्रेम्स निकाल के दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैं वही बनवा लूँगी। और अब चलते हैं रोड बाज़ार की तरफ, चलते हुए बाज़ार से। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मम्मी सामान ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, मम्मी पैसे दे रही है तो मेरे पास ले लो लो। तो दोस्तों, बाजार में चलते चलते मम्मी को साग सब्जी बिक गई, तो मम्मी ने कहा कि चलो सब्जी ले लेते हैं घर के लिए। तो अभी मम्मी भी सब्जी ले रही है, पैसा लेंगी कितनी सब्जियाँ ली हैं वो पूछ रही है मम्मी। प्याज तुलवा रही हूँ, प्याज लेंगी मम्मी। देखिए दोस्तों, करवा चौथ के भी करवा बिक रहे हैं बाजार में, बहुत सारी जगह हमने देखी। अरे धनिया लगते हो लो, तुम सारे बता लो जे बिनन ने नन मत बात। दोस्तों, करवा चौथ की वजह से बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, ज़्यादातर करवा, और ये देखिए इधर भी करवा लगे हुए हैं, सिलेंडर लगे हुए हैं। बाज़ार में बहुत सारी रौनक है करवा चौथ की वजह से। दोस्तों, हम लोग एक दिन पहले आए हैं इसीलिए इतनी भीड़ मिल रही है, हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी। ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें मतलब करवा ही करवा रखे हुए हैं। तो अभी मम्मी को चल रही है घर पे, हम भी चल रहे हैं मम्मी के साथ।
बात है।